हेलो पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, वो मुझे मार डालेगा। मैं संजना, संजना बोलो ना, मेरा पति मुझे। संजना मल्होत्रा, योनिका घर है ना? ये हमारा फार्म हाउस है। आप? अविनाश, अविनाश मल्होत्रा। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा के मालिक? संजना मेरी पत्नी है। मैं पूछ सकता हूँ कि इस वक्त आपकी पत्नी कहाँ पर है? बात क्या इंस्पेक्टर? मिस्टर मल्होत्रा, शायद आपकी पत्नी का कत्ल हो चुका है। नो इशू एट ऑल, वो हो जाएगा। That's not a problem. Great. हाँ, ऊपर से नीचे ला उसको। हाँ, thank you, thank you, thank you. हाँ, मिस्टर मल्होत्रा, तो आप और आपकी पत्नी कल रात को यहाँ पर आए थे? जी। कितने बजे आए थे? यही कुछ, 1:30 बजे। मुझे ठीक से याद नहीं। कल रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। आपने उनको सख्त ऊपर कुछ मिला? चलिए चलिए ऊपर। इसकी फोटो ले लो सर। हाँ, कहाँ से मिला? सर ये चाकू सोफे के नीचे से मिला है। यू आर राइट मिस्टर मल्होत्रा, कल रात वाकई यहां पर कुछ ज्यादा ही हो गया था। मैं आपको आपके पत्नी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। ये वो फोन है जो कल रात को आपके पत्नी ने ठीक 4 बजे कंट्रोल रूम पे किया था। कह दो कि आवाज आपके पत्नी की नहीं है, उसे मारने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, या कह दो कि इस सब के बारे में आप कुछ नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये संजना की आवाज है, लेकिन ये सब कैसे और कब हुआ मुझे नहीं मालूम। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये सच है तो सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए। हो सकता जब मैं नशे में था किसी ने उस पर हमला किया हो सकता कि वो अभी भी जिंदा है। मुझे जो भी सवाल पूछते हैं पूछ लेना, लेकिन सबसे पहले हमें संजना को ढूंढना चाहिए, हमें उसे बचाना चाहिए। नाटक मत कीजिए अविनाश साहब, नाटक मत कीजिए। कल रात आप ही ने कहा था कि आपके फार्म हाउस पे आप और आपके पत्नी के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। फिर उसे मारने की कोशिश कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? आपके पत्नी ने फोन पे साफ साफ आपका नाम लिया है। एक बात और, वो फोन टेप हो रहा था, वो आपको पता नहीं था। सारे सबूत आपके खिलाफ है। रही बात आपके पत्नी के जिंदा होने की, इतना खून बहने के बाद कोई भी अस्पताल पहुंच जाएगा तो बच नहीं सकता। मुझे तो शरीफ आदमी लगता है सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? खून किया साले ने, औरतों को पांव की जूती समझते हैं साले रईस जादे। जब तक वो पांव में चुपचाप बिछी रहे ठीक है, जहां थोड़ा काटना शुरू किया नहीं हमेशा के लिए छुट्टी। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते। जो हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है? बिना कोर्ट ऑर्डर के आप मेरे क्लाइंट से बयान नहीं ले सकते। हुज इन चार्ज ऑफ दिस केस? विष्णु पटनायक, मैं हूं इस केस का इंचार्ज। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी, कानून आपको आपकी मर्जी चलाने की इजाजत नहीं देता। अगर पूछताछ करनी ही है तो पहले कोर्ट से रिमांड ऑर्डर लेके आइए। सक्सेना सर, वकील साहब सही कह रहे हैं,
हमें पूछताछ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आखिर अविनाश साहब कहीं जा थोड़ी ना रहे, हमारे पास ही हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कल सुबह अदालत से अपने दोस्त को बेल दिलाकर अपने साथ ले जाएंगे तो आप भी गलत समझते हैं। इसका फैसला तो कल सुबह ही होगा। फिलहाल तो मैं अपने क्लाइंट से 2 मिनट बात करना चाहता हूं, अकेले में, इफ यू डोंट माइंड। श्योर, इज ऑल योर्स। ये सब क्या हो गया यार, ये कैसे हुआ? तू और संजना तो कल पार्टी में थे, तो फिर ये फार्म हाउस, ये टेप, खून, और संजना गई तो गई कहां? तूने भी आते ही पुलिस वालों की तरह सवाल पूछना शुरू कर दिया। आई एम सॉरी यार, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि कल रात को हुआ क्या, ताकि कोर्ट में, आई मीन, ये कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ भी याद नहीं? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने ही संजना का खून किया, तुझे भी मुझ पे यकीन नहीं? ये तो क्या बोल रहा है यार, मुझे अपने आप से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। खून करना तो दूर, तू कभी उस पे हाथ भी नहीं उठा सकता था। तू चिंता मत कर, कल सुबह तक तेरी बेल हो जाएगी, उसके बाद देखते क्या करना है। ओके। लॉर्ड, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट पर साफ लिखा है कि चाकू पर पाए गए उंगलियों के निशान मिस्टर अविनाश मल्होत्रा के हैं। इसके अलावा टेप पे संजना मल्होत्रा की आवाज, कत्ल की जगह पर मिस्टर मल्होत्रा का नशे की हालत में पाया जाना, पुलिस के आने के बाद कुछ भी याद ना आने का बहाना करना, ये सब इनके खूनी होने के तरफ इशारा करते हैं। इसलिए माय लॉर्ड, मैं संजय पाठक अदालत से दरख्वास्त करता हूं किसी भी हालत में इसकी बेल मंजूर न की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं सब गलत है। पुलिस पूछताछ करने के बहाने उन्हें परेशान करना चाहती, उन पर दबाव डालना चाहती। मिस्टर अविनाश मल्होत्रा एक इज्जतदार आदमी होने के साथ साथ इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और आदमी जितना बड़ा होता है उसके पास छिपने की जगह उतनी कम होती है। योर ऑनर, बेल एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मिस्टर मल्होत्रा ये देश से तो क्या, इस शहर से भी बाहर नहीं जाएंगे। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि उन्हें बेल देने में एतराज ही क्या है। माय लॉर्ड, इनका बड़ा और रईस होना ही इनके खिलाफ जाता है, क्योंकि अगर इनको बेल मिल गई तो अपने पैसे और स्टेटस का इस्तेमाल करके ये सच को झूठ में बदल सकते हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि जब तक पुलिस इस केस की चार्जशीट तैयार नहीं करती, इन्हें बेल नहीं दी जानी चाहिए। अदालत मिस्टर अविनाश मल्होत्रा को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने का हुक्म देती है। अभी ये सब क्या हो गया? अभी मैं आज सुबह अमेरिका से आई और फिर टीवी पे न्यूज सुनी, ये सब क्या हो गया? अभी मुझे भी नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये मैंने नहीं किया। तुम कुछ कर भी कैसे सकते हो? तुम संजना को कितना चाहते थे ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। कुछ देर की बात है अभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और संजना, चलो, वो तो कभी वापस नहीं आएगी। चलो, ओके ओके, इनफ इनफ, चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो, वो वो। तो नहीं तो 4 पैक भी होंगे। सैकड़ों लोग शराब पीते हैं, घर जाते हैं, अपनी बीवी से लड़ते हैं,
इसका यह मतलब नहीं कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है। मैं संजना से प्यार करता था, मैं उसकी जान कैसे ले सकता हूं? एग्जैक्टली यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर अविनाश, कि आप जैसा आदमी अपनी बीवी का कत्ल क्यों और कैसे कर सकता है? मिसेस संजना का कत्ल हुआ है, आपने नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया है। किसने? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। आप जितना अपने बारे में मुझे बताएंगे उतनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। संजना का नाम मेरी जिंदगी की किताब के हर एक पन्ने पर लिखा है। आप कहां से सुनना चाहेंगे? पहले पन्ने से। पहली बार आप उनसे कब और कहां मिले थे? उससे हुई पहली मुलाकात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। हाय अवि। हे सोनिया, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? क्या करूं, अकेला आदमी हूं, सारा काम खुद संभालना पड़ता है। पापा देखो कौन आया है। ओह, मिस्टर अविनाश मल्होत्रा। हेलो अंकल। हाय भाई, आपके पुरानी रेपुटेशन को देखते हुए हमें तो ये लग रहा था कि अब हमारी मुलाकात अगले साल ही होगी। एनीवे, गो अहेड, हैव अ गुड टाइम। यस पापा, चलो। देखा तुम्हारी रेपुटेशन क्या है? वैसे तुम कॉलेज से ही ऐसे हो, आखिरी लेक्चर चल रहा होता था तब जाके तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता था। अरे कॉलेज पढ़ने कौन आता था, वो तो मैं तुमसे मिलने आया करता था। रहने दो रहने दो, वहाँ भी मैं तुम्हें ढूंढती रह जाती थी और तुम अपने दोस्तों के साथ गायब हो जाते थे। गायब तो तुम हो रही हो। सुना है कि तुम यूएस जा रही हो अपने पापा का बिजनेस संभालने? मैंने अपना इरादा बदल दिया है। क्यों? क्योंकि हाँ, समझ गया समझ गया। क्या क्या समझ गए तुम? यही तुम्हारे जोशी जी ने कहा होगा कि अगर तुम यूएस गई तो मंगल तुम्हारे शनि की टांग तोड़ देगा। शराब अवि, कितनी बार कहा है जोशी जी का मजाक मत उड़ाया करो। ओके ओके रिलैक्स। पता है उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? मेरे बारे में? हाँ। क्या उन्होंने कहा? कि नए साल के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की आने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ वैसे नया साल तो शुरू होने वाला है, लेकिन मुझे वो लड़की कहीं आसपास नजर नहीं आ रही। गौर से देखो अभी, हो सकता है वो लड़की तुम्हारे आसपास ही हो और तुम्हारी उस पर अब तक नजर ही ना पड़ी हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, नए साल की शुरुआत के लिए सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। नाउ द काउंटडाउन बिगिंस। 7 6 5 4 3 2 1 Hey, happy new year man, happy new year. Hey Sonia, happy new आप अपना हाथ हटाएंगे प्लीज। ऐसे घुर के क्या देख रही हो? कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर पहली नजर में आंखों से दिल में उतर जाए ऐसी लड़की नहीं देखी। तेरी नजरें ऐसा जादू कर गई, नजरें तेरी नजरें ऐसा जादू कर गई, दीवानगी सी कोई मेरे दिल में उतर गई। ओ यारो मुझसे तो कहा नहीं जाए, कोई जाके उसे ये बताए। यारो मुझसे तो कहा नहीं जाए, कोई जाके उसे ये बताए।
छुपाने लगे जिन्हें ढूंढने में जमाने लगे उसी के लिए दिल ये बेताब है वो लड़की है या फिर कोई ख्वाब है मुझे दूर 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 से सताए एक झलक देखा के चुप जाए ये दिल दीवाना हो गया 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 यारो मुझसे तो कहा नहीं जाए कोई जाके उसे ये बता ऐसा जादू कर गई दीवानगी सी कोई मेरे दिल में उतर गई ओ यारो मुझसे तो कहा नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए ओ यारो मुझसे तो कहा नहीं जाए कोई जाके उसे ये बताए कि दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया ये दिल दीवाना हो गया बाबू लगता है ये तो मर गई अबे चल चल गाड़ी चालू कर जल्दी कर बीपी थोड़ा लो है बट एवरीथिंग इज ओके अदरवाइज चोट ज्यादा नहीं है मुझे लगता है शायद डर की वजह से बेहोश हो गई है इंजेक्शन मैंने दे दिया है सवेरे तक ठीक हो जाएगी थैंक यू डॉक्टर यू आर वेलकम आई थिंक हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए पुलिस बेकार में परेशान करेगी वैसे भी डॉक्टर ने कहा इसे आराम की जरूरत है सुबह देखते हैं चल हाय आप जी मैं क्या करूं आप बार बार मेरी जिंदगी में इस तरह दाखिल हो जाती हैं वो भी बिना नॉक किए कल रात के लिए
थैंक्स। आपको देख के लगता है कहीं ज्योति जी की बात सच ना हो जाए। ज्योति जी? अब देखिए ना, पिछले 12 घंटे में तीसरी मुलाकात है हमारी। कहीं पार्टी में हमारी कोई अदा तो नहीं पसंद आ गई? मैं चलती हूँ। कमाल है, आप गायब होती हैं मिलने के लिए और मिलती हैं गायब होने के लिए। चली जाइएगा, लेकिन जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि मैं किसका शुक्रिया अदा करूं। जी जी, मेरा मतलब वो कौन शख्स था जिससे आप डर कर भाग रही थी? अगर वो ना होता तो ना बेहोश होती और ना मैं आपको यहां तक ला पाता, और जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता कि मैं पार्टी में आपका नाम तक नहीं पूछ पाया। इसे पहले कि आप दोबारा गायब हो जाएं, जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। संजना। अविनाश। और इस तरह वो मेरी जिंदगी में आ गई। सब कुछ था उसमें। She was beautiful, intelligent, loving, caring. और एक खूबी थी उसमें, उसके पास नौकरी नहीं थी, बस उसकी यही खूबी मेरे जीने का सहारा बन गई। माधुरी। हेलो। दैट्स शिल्पा। और मैंने उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी का काम दे दिया। दिस इज विनय फ्रॉम सेल्स। और ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त, हमारी कंपनी का लीगल एडवाइजर रोहित। रोहित, ये है संजना। हाय संजना। हेलो। वेलकम टू मल्होत्रा एंड मल्होत्रा। लेट्स ऑल गिव संजना अ बिग हैंड। दिन बीतते गए और वो मेरे दिल में उतरती चली गई। Through our marketing plan, we are planning to set up a central customer service cell to help support investors who buy small savings products through us. We'll also have a customer service support website. Okay, and? Sir? Sir? Huh? The marketing plan. The estimated demand for hand paper. Sanjana. कब मेरे साथ काम करते करते मुझे अपनाने लगी, शायद उसे भी पता नहीं चला। संजना, तुम अब तक घर नहीं गई? आप भी तो नहीं गए सर। मेरे लिए तो ऑफिस और घर एक ही बात है। घर तो वो होता है जहां पर कोई इंतजार कर रहा हो। इंतजार करने वाला तो मेरा भी कोई नहीं सर। हर बात पे मेरा ख्याल रखती थी, मुझ पर अपना हक जताती थी, यहाँ तक कि मुझ पर गुस्सा होना, मुझे रोटना, सब मुझे अच्छा लगने लगा। I can't change the law. Understand you. You have to be there. I cannot attend the same meeting again. It's very what? चलो उठो। I'm busy in a meeting. Avinash, get up. चलो। कहाँ लेके जा रही हो तुम मुझे? Sanjana, where are you taking me? Just come on. Why don't you understand? I'm in a meeting. Yeah. चलो मेरे साथ। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। बैठो यहाँ। तीन बज चुके हैं। पहले खाना खाओ। मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी संजना के साथ ही बिताऊंगा, और यह जिंदगी मैं जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था। पिछले आधे घंटे से तुम यहां से वहां वहां से आ कर रहे हो, अब कुछ बोलोगे भी? क्या कहूं संजना, पहली बार किसी से प्यार हुआ है, पहली बार किसी से ऐसे मिल रहा हूं, पहली बार किसी के लिए खुद शॉपिंग की है, और क्या? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? जी तो चाहता था कि पूरी दुकान खरीद लूं, पर डर गया कि कहीं तुम फिर से मेरी गरीबी पर लेक्चर देना शुरू कर दो। ये सब तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जा रही हूँ। पूछोगी नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या लाया से। कुछ कहना चाहता हूं संजना, कि तोहफे तो लिए जाते हैं लेकिन मंगलसूत्र अपनाया जाता है।
इसे सात मोतियों में इसलिए पिरोया जाता है क्योंकि इसके एक एक मोती में एक एक जन्म का बंधन होता है। बिजनेसमैन हूं ना, इसलिए अपने फायदे की बात जल्द समझ में आती है। तो सोचा क्यों ना तुम्हें एक ही झटके में सात जन्मों के लिए अपना बना लो। मैं अपना दिल, अपनी जान, अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं। क्या तुम इस जन्म में और अगले हर जन्म में मेरी बनकर रहोगी? इश्क भी मेहरबान, हुस्न भी मेहरबान, दिल मेरे बस में कहां मेरी चाहतों का समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, मुझे भी कभी अपना कहकर तो देखो, कहकर तो देखो, कहकर तो देखो। धड़कनें जब खिली दो दिशाएं मिली, रोशन हुआ की हद से गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, समंदर को बाहों में भर कर तो देखो, भर कर तो देखो, भर कर तो देखो। इश्क भी मेहरबान, हुस्न भी मेहरबान, दिल मेरे बस में कहा मोहब्बत के चाहत के इकरार के मेरे लहू में उतरते रहे। सासों ने रो रो के मांगी है रब से दुआ, मरे कर भी तुम पर मरते रहे। एक साथ हम रहेंगे, एक साथ हम कहेंगे, सासों ने सासों पर लिख दी जो कभी मेरे दिल में उतर कर तो देखो, उतर कर तो देखो, उतर कर तो देखो। तुम्हें साईने में सवर कर तो देखो, सवर कर तो देखो, सवर कर तो देखो।
ख्वाबों में रहते हो, रग रग में बहते हो तुम, छाए हो दिल पर बादल हो तुम, होठों पे हंसते हो, आंखों में बसते हो तुम, मेरी उमंगों की हलचल हो तुम, खामोशियों के धारे करने लगे इशारे, आंखों ने आंखों को दे दी है एक जुबान, हारे हारे हा। कभी दूर एक पल भी रह कर तो देखो, रह कर तो देखो, रह कर तो देखो, अभी जान दे दूंगी कह कर तो देखो, कह कर तो देखो, कह कर तो देखो, इश्क भी मेहरबान, हुस्न भी मेहरबान, दिल मेरे बस में कहा, मेरी चाहतों का समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, समंदर तो देखो, मुझे भी कभी अपना कह कर तो देखो, कह कर तो देखो, कह कर तो देखो, मोहब्बत की हद से गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो। आपकी लव स्टोरी सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। लेकिन हमारा केस जान देने का नहीं, जान लेने का है, इसलिए आपकी कहानी में कुछ ज्यादा अंदर घुसना पड़ेगा। हमारे पास रिपोर्ट है कि 29 जून को आप अपने दोस्त, वकील दोस्त रोहित सक्सेना के साथ होटल रिजॉर्ट में अपनी बीवी का पीछा करते हुए पहुंचे थे। शायद किसी बात पर शक था आपको मिस संजना पर, am I right? मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन उस मैनेजर को याद है जिससे आपने अपनी वाइफ का रूम नंबर पूछा था। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे बुला सकता हूँ। मैंने उसका पीछा जरूर किया था, लेकिन इसका ये मतलब मतलब निकालने के लिए हम हैं। सरकार इसी बात का हमें पगार देती है। आप सिर्फ अपनी कहानी बताइए, क्या बात हुई थी कि आप पति पत्नी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, फिर अचानक ये शक का रिश्ता कैसे कायम हो गया? शुरू शुरू में सब ठीक था, पर शादी के एक महीने बाद संजना कुछ उलझी उलझी सी रहने लगी। तुम अचानक कपड़े पैक करके कहाँ जा रही हो? अरे मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, मुझे पूना जाना पड़ रहा है, कल सुबह तक आ जाऊंगी। पूना? हाँ, मेरी एक सहेली रहती है वहां पर, उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तुमने मुझे कभी इस सहेली के बारे में बताया नहीं? तुम मेरी सारी सहेलियों को थोड़ी जानते हो। अरे बाबा, वो मेरे साथ हॉस्टल में थी, पिछले साल उसका ट्रांसफर हो गया था, वो अपने आप को कुछ अकेली महसूस कर रही थी, मैंने कहा मैं आ रही हूं, उसकी तसल्ली हो गई। खुश? अविनाश, अविनाश, हेलो स्ट्रेंजर, तुम आज यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, पर तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यू वर सपोज्ड टू गो टू अमेरिका, राइट? हाँ, आई एम गोइंग नेक्स्ट वीक। ओके। अच्छा हुआ तुम आज यहाँ मिल गए, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अच्छा अविनाश, संजना किसी वजह से मुझसे नाराज तो नहीं है? कहीं अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो? What? ये तुम क्या कह रही हो? Really, अविनाश, वो मुझसे मिलके खुश नहीं हुई, उसने मुझे देख के अनदेखा कर दिया। कब? कल रात सीवी होटल में, मैं पापा के साथ वहाँ गई थी, वो भी वहीं थी, मैंने उसे हेलो बोला लेकिन वो मेरे पास से ऐसे गुजर गई जैसे उसने मुझे पहचाना भी ना हो। संजना और सीवी होटल में, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? संजना तो कल सुबह से पूना गई है, तो फिर कल रात को मुंबई में कैसे हो सकती है? Come on, अविनाश, मैं संजना को देखूंगी और पहचानूंगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? डायल किया गया नंबर
इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें, धन्यवाद। I really missed you. नाराज हो मुझसे? अरे पापा, निशा की बहन को मैं... तुम सीधा पुणे से आ रही हो? नहीं, कानपुर से आ रही हूं। अरे बाबा, अगर गई पुणे थी तो आऊंगी भी पुणे से ही ना। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अगर तुम पुणे में थी तो कल रात होटल सीव्यू में कौन था? मेरा भूत होगा। बाय द वे, तुम क्या कर रहे थे वहां पर? मैं नहीं, सोनिया गई थी वहां पर। उसी ने कहा था मुझसे कि तुम वहां पर थी। ओह आई सी, मतलब मेरा भूत तुम्हें नहीं सोनिया को नजर आता है। और क्यों नहीं, उससे उसका सबसे प्यारा दोस्त जो छीन लिया मैंने। अविनाश, आई लव यू। ये देखो, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे बाबा लो ना, ये ट्राई करो, मैं फ्रेश होके आती हूं। संजना मल्होत्रा'स रेसिडेंस? यस सर, मैं सुजीत बोल रहा हूँ, कॉटन कलेक्शन जुहू मुंबई से। सर कल शाम को संजना जी हमारे आई थी कुछ शर्ट्स वगैरह खरीदने, वो गलती से अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ भूल गई है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपके घर भिजवा दूँ, बस यही पूछना था सर। हेलो, आप रहने दीजिए, मैं किसी को ऑफिस से भेजूंगा कलेक्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Hi darling, your breakfast is ready. Chalo. French toast, fried eggs, cornflakes, juice, Indian aur continental ka mixture. Kahan milegi tumhe aise biwi, ha? Are chalo. Tumne mujhe jhoot kyun bola? Keh nahi sakti thi ki tumne ye shirts Pune se nahi Mumbai se li hain? और कॉटन कलेक्शन की दुकान पूना हाईवे से 30 किलोमीटर दूर है, तुम वहां पहुंची कैसे? वो भी होटल सी व्यू के सामने वाली ब्रांच से, जहां सोनिया ने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। मैं नहीं जानती थी अविनाश कि तुम्हें अपनी बीवी से ज्यादा भरोसा बाहर के लोगों पर है। मैंने कब कहा था तुमसे कि मैं वो शर्ट्स तुम्हारे लिए पूना से लाई थी? मैं नहीं जानती तुम अपनी बीवी के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी मनपसंद चीजें लाने के लिए 30-40 किलोमीटर ड्राइव कर सकती है। पता नहीं यार, तुझे होटल बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, वरना मेरे पास तेरी जितनी दौलत होती ना, मैं समंदर के बीचों बीच ऐसा होटल खड़ा करता कि दुनिया वाले उसकी मिसाल देते। लोग एडवांस बुकिंग के लिए मुझे ईमेल भेजते और मैं अपनी मर्जी से उन्हें बुकिंग देता। I like them, okay. संजना, कहाँ? Hello. Hi जानू, can I call you back? क्यों? मैं जिम में हूँ डार्लिंग, वर्कआउट कर रही हूँ। I'll just call you back, okay? Bye. क्या हुआ? इतने परेशान क्यों?
तू यहीं रुकना आया? कितने रूम चाहिए? ओके सर, आई विल रिजर्व इट, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, अभी अभी एक औरत पर्पल सूट में अंदर आई थी, मैं जान सकता हूँ वो कौन से रूम में गई? आई एम सॉरी सर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते। मैं उसका पति हूँ और मेरी बीवी कहाँ गई है ये जानने का हक है मुझे, अंडरस्टैंड? ऊपर गई है, फोर्थ फ्लोर। वहां चल के बात करते। ये ले। विनाश, समझने की कोशिश करो, तुमसे झूठ बोलने की उसके पास कोई वजह हो सकती है? एक पत्नी को अपने पति से झूठ बोलने की क्या वजह हो सकती है? तो क्या करेगा तू? क्या कहेगा उससे जाके? पिछली बार भी जब वो पुणे गई थी और तुझे लगा वो बंबई में है, तब क्या हुआ था? तेरे हर सवाल का जवाब था ना उसके पास। अब इस बार भी ऐसा हुआ तो तू क्या करेगा? तो ठीक कह रहा है, मुझे संजना के बारे में सब कुछ जानना होगा। रोहित, एक काम कर, अच्छी सी अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जा, जितना पैसा मांगे उन्हें दे। मैं संजना के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। अविनाश, तू पागल हो गया? घर की बात सड़क पे लाएगा? देख, तू संजना के बारे में सब कुछ जानना चाहता है ना, तो खुद जान ले, खुद उस पर नजर रख। वो कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, ये सब तुझे खुद पता लगाना होगा। अविनाश, आज पहली बार तुम ऑफिस कुछ भूलकर तो नहीं जा रहे हो? क्या? माय गुड बाय किस। अच्छा सुनो, आज अनुराग चोपड़ा की पार्टी पे जाना है, उनके क्लब का ओपनिंग है, 3 बार फोन आ चुका है। ओके, याद रख। ओके, बाय। चाहिए था
No, it's okay. वो अभी घर से बाहर गए हैं। मुझे लगता है कि वो हम पे शक करने लगा है। हमें कुछ दिनों के लिए मिलना नहीं चाहिए। It's impossible. ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं, हम लोग फार्म हाउस पे मिलते हैं। आज रात अविनाश और मैं पार्टी पे जा रहे हैं। वहाँ से कुछ देर के लिए निकलने की कोशिश करती हूँ।
क्यों, क्या हुआ? आशिक की जगह अपने पति को देखकर अच्छा नहीं लगा? सोचा होगा जाते ही अपने आशिक के गले लग जाओगी, पर मैंने यहां आकर मजाक किरकिरा कर दिया, है ना? अविनाश चिल्लाओ मत। तुम्हारी असलियत तो बहुत पहले ही मुझ पर खुल गई थी, पर मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था। उस दिन होटल सी व्यू में तुम दोनों मेरे हाथों से बच गए, लेकिन आज मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने आया हूं। कौन है वो कमीना जिसके लिए तुम मेरी आंखों में धूल झोंक के यहां चली आई? कोई नहीं। झूठ, शुरू से झूठ बोलती आई हो तुम मुझसे। कभी पूना जाने के बहाने, तो कभी जिम जाने के बहाने, जगह बदल बदल कर तुम मिलती आई हो उससे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तब तक मैं तब तक क्या हा? मैं चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहूं? अब या तो वो कमीना इस दुनिया में रहेगा या मैं। वो जो कोई भी है मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा है, और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने का कोई हक नहीं। To hell with your personal life! तुम मेरी पत्नी हो समझी, और मैं तुम्हें पर्सनल लाइफ की आड़ में आयाशी नहीं करने दूंगा। बोलो कौन है वो कमीना? तुम इस वक्त होश में नहीं हो अविनाश, इसके बारे में हम सुबह बात करेंगे। मेरी जिंदगी की सुबह तो कभी नहीं होगी, पर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा कर दूंगा। अविनाश प्लीज, आई सेड स्टॉप इट। बोलो कौन है वो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया। तुम जो कुछ भी कर रहे कर लो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगी। ओपन द डोर, ओपन इट, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। सजना ओपन द डोर, ओपन इट, ओपन इट। ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम अंदर कब तक बैठती हो। एक दिन, दो दिन, दस दिन, मैं यहीं नीचे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस इसके आगे क्या हो मुझे कुछ पता नहीं। होश आया तो आप लोग सब सामने थे, संजना जो भी थी जैसे भी थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं उसकी जान कभी नहीं ले सकता। इसका फैसला तो अदालत में ही होगा। माय लॉर्ड, मिस्टर अविनाश मल्होत्रा और उनके पत्नी के बीच अक्सर अनबन रहा करती थी। मिस्टर मल्होत्रा अपनी पत्नी पर शक किया करते थे, इतना ही नहीं छिप छिप कर उनका पीछा किया करते थे। 2 सितंबर की रात को अपने ही फार्म हाउस पर उनके बीच झगड़ा हो गया, और मिस्टर मल्होत्रा ने गुस्से और नशे की हालत में अपनी पत्नी संजना मल्होत्रा का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। माय लॉर्ड, अपनी बात को साबित करने के लिए मैं अदालत के सामने कुछ गवाह पेश करना चाहता हूं। मेरा सबसे पहला गवाह है हवालदार रमाकांत गोखले। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। 2 सितंबर की रात तुम्हारी ड्यूटी कंट्रोल रूम में थी? जी हाँ। तो क्या तुम अदालत को यह बताना चाहोगे कि ड्यूटी पर रहते हुए तुम्हें क्या काम करना होता है? साहब, रात को 11 बजे के बाद जो भी फोन आता है अपन अटेंड करता है, और फोन सुनने के साथ साथ हमको टेप भी करना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी रहती है तो वायरलेस पे पेट्रोल पार्टी को इन्फॉर्म करने का भी रहता है, उसके बाद का काम उन लोग का है। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, वो मुझे मार डालेगा। मैं संजना, संजना मल्होत्रा, मेरा पति मुझे। साइलेंस, आई सेड साइलेंस। ये तुमने टेप किया था? जी हाँ, ये फोन तो आप उनको आया था सुबह 4 बजे, और फोन सुनते ही मैंने मैसेज दिया था वायरलेस पे। क्या मैसेज दिया था जरा अदालत को बताएंगे? यही कि लड़की की जान खतरे में, उसका हस्बैंड उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको हेल्प का जरूरत है। योर ऑनर, इसका मैसेज सुनते ही इंस्पेक्टर पटनायक फार्म हाउस पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना मल्होत्रा का
खून हो चुका था। That's all your honor. Mr. Gokhale. जी? तो इस काम के लिए आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होगी? हाँ, जरूर दी गई है। फोन कैसे टेप करना, कॉल को कैसे ट्रांसफर करना, बड़े सबको वायरलेस पे कैसे मैसेज देना और किसी की आधी बात को किस तरह पूरी करना, राइट? जी मिस्टर गोखले, अभी अभी जो टेप रिकॉर्डिंग हमने सुना उसमें सिर्फ इतना ही था, वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मैं संजना मल्होत्रा, मेरे पति मुझे, बस मेरे पति मुझे के बाद आपने क्या समझा? यही कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। लेकिन मिस्टर गोखले, यह भी तो हो सकता है कि मिसेस संजना मल्होत्रा यह कहना चाहती थी कि मेरे पति मुझे अकेले छोड़ के गए और दूसरा कोई घर में घुसाया है, या मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या मेरे पति मुझे साथ ले जाना चाहते थे, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, या मेरे पति मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी तो हो सकता था। जी अरे ये तो अपने सोचा ही नहीं। ये अदालत सोमवार तक मुलतवी की जाती है। आंखें बंद करो। ये सब क्या है? मैं आज सुबह मंदिर गई थी, वहीं से प्रसाद लाई हूँ। अभी मुझे पूरा यकीन है कि फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। मैं तो भगवान से ये भी कहकर आई हूँ कि जैसे ही तुम बाहर निकलोगे मैं सबसे पहले तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगी। तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, मुझे मालूम है तुमने नहीं खाया होगा। मेरी भूख और प्यास तो संजना के साथ ही चली गई। जानती हो सोनिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ। आंखें खोलूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होगा अभी, ऐसा ही होगा। जिस तरह से तुम्हारा दोस्त रोहित केस लड़ रहा है, देखना वो तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकालेगा। मिस्टर जुनेजा, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि इस चाकू पर मिले उंगलियों के निशानों को मिस्टर अविनाश मल्होत्रा की उंगलियों से आप ही ने मैच किया था? बेशक। तो आपको यकीन है कि मिस्टर अविनाश मल्होत्रा ने संजना मल्होत्रा का खून किया? जाहिर है, खून से सने चाकू पर इन्हीं की उंगलियों के निशान हैं, तो कातिल यही होंगे। जरा देखिए तो मिस्टर जुनेजा, क्या ये वही चाकू है जिससे उस रात को खून किया गया था? लगता तो यही है। गौर से देखिए मिस्टर जुनेजा, यह किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके। जी हां, यही है। मिस्टर जुनेजा, अब इस चाकू पे आपकी उंगलियों के निशान हैं। अगर मैं इसी वक्त आपके घर चला जाऊं और इसी चाकू के साथ आपकी पत्नी का खून करके इस चाकू को वहीं छुपा दूं तो? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस अदालत को सच की झलक दिखा रहा हूं। जिस तरह उंगलियों के निशान होने के बावजूद आप कातिल नहीं हो सकते, उसी तरह अविनाश मल्होत्रा संजना मल्होत्रा का कातिल नहीं है। मेरे क्लाइंट के खिलाफ साजिश की जा रही है ऑनर। कोई है जो मियां बीवी के झगड़े का फायदा उठाकर उसे फंसाना चाहता है। फर्श पे खून के निशान जरूर है, लेकिन कमरे में संजना मल्होत्रा की लाश नहीं। अगर नशे की हालत में अविनाश मल्होत्रा अपने कपड़ों से खून के दाग नहीं मिटा सका तो इतने बड़े घर से पूरी की पूरी लाश को वो कैसे हटा सकता था? पहले से ये केस अंदाजों पे चला आ रहा है योर ऑनर। हो सकता है कि खून हुआ हो सकता है कि खून हुआ ही ना हो, हो सकता है कि अविनाश मल्होत्रा कातिल हो, और हो सकता है कि अविनाश मल्होत्रा को कोई कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है योर ऑनर। अभी तक अदालत में प्रोसिक्यूशन ने ऐसा एक भी गवाह पेश नहीं किया योर ऑनर जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो। मैंने देखा है सब कुछ अपनी इन आंखों से। कौन है आप
आपको जो भी कहना है यहां आके विटनेस बॉक्स में कहिए। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं संजना का मामा हूं, इन्हीं हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया मैंने उस बच्ची को। माय लॉर्ड, वो अपने किसी यार से नहीं मिलने जाती थी, वो मुझसे मिलने आती थी अपने मामा से, और इस कमीने ने उस पर शक करके मेरी आंखों के सामने उसका खून कर दिया। आपको जो कुछ कहना है खुल के और साफ साफ अदालत को बताइए। संजना की मां एक धंधा करने वाली औरत थी, अपना जिस्म बेच बेच कर उसने अपनी बच्ची की परवरिश की, उसकी पढ़ाई की और उसको बड़ा किया। लेकिन एक दिन जब उसकी बच्ची जवान होने लगी, उसकी मां मेरे पास आई, हाथ जोड़कर विनती की कि इसको कहीं दूर ले जाओ। मैंने वैसे ही किया, मैं संजना को दूसरे शहर ले गया। जब तक उसकी माँ पैसा भेजती थी मैं बहुत खुश था, लेकिन एक दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया, वो मर गई, पैसा आना बंद हो गया, मेरे पास कमाई का और कोई जरिया नहीं था, मैं कमीना हो गया, मैं लालची हो गया। मैंने संजना को भी उसी धंधे में डालने की कोशिश की जिस धंधे में उसकी माँ थी, लेकिन संजना एक शरीफ लड़की थी, उसने बगावत की और भाग गई, मैं फिर अकेला रह गया। लेकिन एक दिन मैंने अखबार उठाया और उसमें मैंने संजना की तस्वीर देखी। उसमें लिखा था कि सन्ना की बंबई में एक बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन के साथ शादी हुई है। मैं खुश हो गया, मैं बंबई पहुंच गया, मैंने सन्ना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कि अगर वो मुझे 50 लाख रुपए नहीं देगी तो मैं सीधा उसके पति अविनाश के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगा कि वो एक नाचने वाली धंधा करने वाली की बेटी है। लेकिन संजना एक सीधी सादी हिंदुस्तानी नारी थी, उसने अपने पति को धोखा नहीं दिया। झूठ मूठ की हर रोज मेरे को कहानियां सुनाती थी और अपने पति का पैसा बचाती थी। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि अगर वो आज शाम को मुझे नहीं मिलेगी तो मैं सीधा उसके पति के पास जाऊंगा और सबको सच बता दूंगा। संजना ने मुझे रात को फार्म हाउस पर बुलाया, रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई, आधा घंटा देरी हो गई। लेकिन जब मैं फार्म हाउस पर पहुंचा, मैंने देखा इस दरिंदा के हाथ में खंजर था, चाकू था, ये मेरी बच्ची के पीछे भाग रहा था। मेरी बच्ची फोन के पास जा रही थी, उसने फोन का नंबर डायल किया, इससे पहले कि फोन में बात खत्म कर दी थी, एक नहीं दो नहीं तीन तीन खंजर उसके पेट में गाड़ दिए। मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने मर गई। उसकी लाश को उसने घसीटा और देखते देखते फार्म हाउस के पीछे ले गया। वहां पर इस कमीने ने गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर मेरे फूल जैसी बेटी को दफन कर दिया। वो मर गई। गवाह सच बोल रहा है या झूठ, इस बात का पता तो मौका है वारदात पे जाके ही लगेगा। Thank you.
अविनाश, फॉरेंसिक वालों ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। फार्म हाउस में मिला खून का सैंपल बॉडी से मैच करता है। बॉडी संजना की थी, बाकी चीजें तो उन लोगों ने रख ली, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं ये तेरे लिए ले आया हूं, संजना का मंगलसूत्र। उसकी आखिरी निशानी। बिगड़ता है कैसे मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो। उजड़ता है कैसे कोई घर तो देखो, कोई घर तो देखो, कोई घर तो देखो। बंद है रास्ते प्यार के वास्ते, तू है कहाँ का। पत्ते झड़ तो देखो, पत्ते झड़ तो देखो, पत्ते झड़ तो देखो। उदासी की हद से गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो, गुजर कर तो देखो। सारे गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 2 सितंबर की रात मिस्टर अविनाश मल्होत्रा ने अपनी पत्नी संजना मल्होत्रा का कत्ल कर दिया। अदालत मिस्टर अविनाश मल्होत्रा को उम्र कैद की सजा देती है। द कोर्ट इज एडजर्न। ए मल्होत्रा, फोन करने का था ना तेरे को, चल। चल हेलो रोहित, मैं अविनाश बोल रहा हूं। अविनाश, बहुत बुरी खबर है यार। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की पर केस सबमिट ही नहीं हुआ। आई एम सॉरी यार, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। तू जिस लड़की से प्यार करता था, तुझे उसी का खूनी कहा जा रहा है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मुझे संजना का खूनी कहा जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि मैं उसे बचा नहीं सका। अफसोस इस बात का नहीं कि मैं सलाखों के पीछे हूं। अफसोस इस बात का है कि जिसने मेरी संजना को मुझसे छीना, वो अब तक आजाद कुमरान। अफसोस इस बात का नहीं कि उसने मुझे फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की। अफसोस इस बात का है कि वो कमीना अब तक जिंदा है। जो कोई भी हो, जहां भी छुपा हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तू मुझे यहां से बाहर निकाल ले रोहित, यहां से बाहर निकाल ले। वो सब ठीक है अविनाश, लेकिन कुछ नहीं। अब तक तू मुझे कानून की मदद से बचा रहा था, लेकिन अब तुझे कानून तोड़ के मुझे यहां से निकालना होगा। कुछ भी कर, कोई भी प्लान बना, जितने पैसे खर्च होते खर्च कर, लेकिन मुझे यहां से बाहर निकाल।
प्लान ठीक से बन गया? हाँ, अगर तूने सब कुछ ठीक से कर दिया तो तुझे बाहर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वो पेपर्स? तैयार है, लेकिन एक बार फिर से सोच ले यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्लान कामयाब होगा और तू बाहर निकल आएगा। पेन, मैं बाहर निकलकर अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता। उस कमीने को ढूंढने के लिए मुझे खुद छुपना पड़ेगा। मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पर इसलिए साइन कर रहा हूँ ताकि मेरी एब्सेंस में तू मेरा बिजनेस संभाल सके। तुझसे ज्यादा और मैं किस पे भरोसा कर सकता हूँ? प्लान क्या है? इसमें 20 सिगरेट है, इन सब में से तंबाकू निकाल के तुझे पानी में मिलाना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये काम तुझे तब करना है जब तेरे आसपास कोई पुलिस वाला हो। तंबाकू से भरा पानी जब तू पिएगा तब थोड़ी ही देर बाद तेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। खून के साथ जब इतना सारा तंबाकू मिल जाता है तो वही होता है जो दिल का दौरा पड़ने पे होता है। मगर तो डरना मत यार, ये कोई हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। पुलिस वाले तो क्या, डॉक्टर्स को भी ऐसा ही लगेगा कि तुझे हार्ट अटैक हो रहा है। चलो अविनाश जल्दी उतरो, गाड़ी बदलनी है। सोचा था तुम्हें सजाए मौत मिल जाएगी, लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें उम्र कैद की सजा मिली। How sad. लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो कानून नहीं कर सका वो अब मैं कर देता। जरा सोचो ना अविनाश, तुम्हारे मरने के बाद अगर संजना जिंदा होती तो तुम्हारी बीवी होने के नाते तुम्हारी सारी दौलत उसे मिलती, लेकिन अब नो संजना एंड नो अविनाश। Thank you.
अविनाश 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 मैं यहां कैसे पहुंचा? हर रोज की तरह उस दिन भी मैं तुम्हारे लिए जेल में खाना लेकर आई थी। मैंने देखा जेल में भगदड़ सी मची हुई है, किसी कैदी को स्ट्रेचर पे बाहर लाया जा रहा है। और से देखा तो तुम थे, तुम्हें एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। इससे पहले कि मैं तुम तक पहुंचती, एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई और वो लोग तुम्हें वहां से लेकर चल दिए। मैं भी हॉस्पिटल चलती हूँ, ये सोच के मैंने अपनी गाड़ी एम्बुलेंस के पीछे लगा दी। मैं टेंशन में थी कि तुम्हें अचानक ये क्या हो गया। ये अचानक ब्रेक्स लगी और एम्बुलेंस सड़क के बीचों बीच आके रुक गई। मैंने भी गाड़ी रोकी, तुम भागने लगे। पुलिस, गोलियां, मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने तुम्हें झाड़ियों के पीछे छिपते हुए देखा। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी कि गाड़ी तुम्हारे पास आके रुकी। तुम उसमें बैठ गए और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। मैंने गाड़ी का नंबर नोट किया और अपनी गाड़ी की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी तो मुझे मिल गई, लेकिन उसमें कोई नहीं था। इधर उधर देखा तो मुझे तुम नजर आए, जख्मी और बेहोश। अभी बस मैं तुम्हें यहां ले आई। पापा के इस फार्म हाउस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें हॉस्पिटल तो ले जा नहीं सकती थी, तो पापा की मदद से इस कमरे को ही हॉस्पिटल बना दिया। उन्हीं की पहचान के एक डॉक्टर ने तुम्हारी गोलियां निकाली और तुम्हारा इलाज किया और तुम बच गए। मुझे जिंदा रखकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया सोनिया। पता नहीं ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। जितना जल्दी हो सके ठीक होके मुझे अपना वही हंसता मुस्कुराता दोस्त वापस देके। ठीक होना तो मेरी जरूरत है सोनिया, पर अब मेरे होठों पर हंसी तुम उसी दिन देखोगी जब मैं रोहित तक पहुंचूंगा। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो उसी दिन लौटेगी जिस दिन उसके होठ हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। साथ होते अगर तुम साथ होते अगर हम भी।
काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ओ सनम ओ सनम, काश होता अगर तुम निभा जाते जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। मलेशिया में है, तुम्हारे पैसों से उसने एक होटल खरीद लिया और बहुत बड़ा आदमी बन गया है। आज उसका बड़ा बनना ही उसके खिलाफ हो गया है। रोहित मेरी नजरों से छुप सकता है लेकिन पैलेस होटल का मालिक नहीं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया सोनिया, बस एक और काम कर दो, मेरा मलेशिया जाने का इंतजाम कर दो। अविनाश, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। इस घर से बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं, और तुम देश से बाहर जाने की बात कर रहे हो। संजना के कातिल को पकड़ने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम फिर से अपने पापा की मदद लो, मेरे लिए एक नकली पासपोर्ट बनाने का इंतजाम करो, मेरा नाम बदलो ही मेरा चेहरा, लेकिन मेरे दुश्मन तो मुझे पहुंचा दो प्लीज सोनिया प्लीज। टैक्सी। ए भाई साहब, एक मिनट। इंडियन इंडियन? यस। पीछे हटो 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 पीछे हटो। वाह, कुछ तो मिट्टी तेरे पांव से लग कर आई होगी, दिल है कि तेरे कदमों में लौटना चाहता है। भाई आप लोग इंडियन होकर किसी चाइनीज की टैक्सी में कैसे बैठ जाएंगे हैं? बताओ, आओ मेरे साथ, चलो छोड़ो छोड़ दो सामान, छोड़ दो जी, आइए आइए। लगता है सुबह सुबह आज मैंने अपनी घरवाली की शक्ल नहीं देखी, इसलिए जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। 6 महीने में पहली बार एक जोड़ा मेरी टैक्सी में आज बैठेगा जी। हनीमून? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई। नहीं हुई तो हो जाएगी, इसमें क्या। आइए, वेलकम टू मलेशिया। ये बताइए कौन से होटल में जाना पसंद करेंगे? पैलेस होटल के बारे में सुना आपने? पैलेस होटल? अगेन इंडियन? क्या ख्याल आता है जी आपके, नाम भी लिया तो इंडियन होटल का। वाह, पर क्या बात है जी उसके मालिक की, क्या स्टाइल है, क्या अंदाज है, आदमी हो तो रोहित कुमार जैसा। सिर्फ 3 महीने हुए जी उसे इंडिया से यहाँ आके होटल खरीदे हुए, मगर ऐसा लगता है कि सारा मलेशिया खरीद डाला हो, संतरी से लेके मंत्री तक सब उसकी जेब में। हाँ, मगर अफसोस की बात यह है कि आज की रात उस इंडियन होटल में भी आप जैसे इंडियन को बुकिंग नहीं मिलेगी। वो क्यों? वो यूं कि आज रात वहाँ एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पार्टी है मैडम। हमें पैलेस होटल नहीं, उसके आसपास किसी होटल में जाना है। आसपास? अरे आसपास क्यों, एंड पैलेस होटल के एकदम सामने आपके मतलब का एक होटल है, होटल इस्ताना। चलो भाई साहब, हम पहुंच गए होटल इस्ताना। आह, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मेरा कार्ड, हैरी जगजीत सिंह, मिस इंडिया। हाँ, हैरी मेरा नाम है, जगजीत सिंह की गजलें सुनने का फैन हूँ और इंडिया को मिस करता हूँ। हैरी जगजीत सिंह, मिस इंडिया। और हाँ, इसके नीचे मेरा टेलीफोन नंबर भी लिखा है, सारे मलेशिया के किसी फोन से भी डायल करेंगे ना जी, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, वंदे मातरम। अच्छा भाई साहब, चलता हूँ। अरे भाई साहब। हाँ जी। आपके पैसे? जूता उतारो। व्हाट? जूता उतारो और 50 बार मेरे सर पे मारो, बुरा नहीं मानूंगा।
पर पैसों की बात करके शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों के बाद तो कोई हिंदुस्तानी सवारी मेरी टैक्सी में बैठी, और वो भी मुझे भाई साहब कहने वाली। भैया आप लोगों से मिलकर पहले तो हिंदुस्तान याद आ गया, अरे छोटी बहन याद आ गई। और अपनी छोटी बहन से पैसे मांगने वाले से ज्यादा कमी ना हिंदुस्तान में तो क्या, मलेशिया में भी कोई नहीं मिलेगा। चलता हूँ जी। बहुत अच्छा आदमी है ना। क्या बात है विनाश? अपनी बर्बादी और अपने दोस्त की आबादी का मंजर देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। Excuse me, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Today is a very special day. Today it is 3 months since we bought this hotel, and on this day we have signed up for a new palace hotel in Singapore. Thank you. But there's one more reason that makes this day very special, and I would like you all to meet that reason. My love, my life, Sanjana. मोहब्बत के हाथों में खंजर तो देखो, खंजर तो देखो, खंजर तो देखो, बेवफाई का ये भी मंजर तो देखो, मंजर तो देखो, मंजर तो देखो, प्यार की ये दुआ बन गई बद्दुआ, मैं जीते जी मर गया, रे हाँ रे हाँ। बिगड़
बिगड़ता है कैसे, मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो, मुकद्दर तो देखो, टूटता है कैसे कोई दिल तो देखो, कोई दिल तो देखो, कोई दिल तो देखो। अविनाश, अविनाश तुम यहाँ बैठे हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अविनाश तुम एक घंटे का कहके गए थे, 3 घंटे हो चुके हैं, क्या हुआ वहां पे, तुम्हें तुम्हें रोहित मिला, क्या हुआ? अविनाश प्लीज मेरी बात का जवाब दो। संजना चिंता है क्या? अविनाश अगर हम यहां नहीं आते तो हमें शायद सच्चाई का पता ही नहीं चलता। अब सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं पापा से बात करती हूँ, वो इंस्पेक्टर पटनायक को लेकर यहाँ आ जाएंगे, और फिर तुम्हें पुलिस से छिपने की कोई जरूरत ही नहीं। जो खून तुमने किया ही नहीं उसकी सजा तुम्हें कैसे मिल सकती है, तुम हमेशा के लिए बरी हो जाओगे। और संजना, रोहित की गोली से तुम्हें मरकर जिंदा हो गया, लेकिन संजना ने तो मुझे जीते जी मार दिया। शायद मेरा अपना प्यार मेरी अपनी दौलत के सामने कम पड़ गया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ अभी। भूल जाओ, अपनी बीवी को अपनी पीठ पे छुरा मारते हुए देख के भूल जाओ, उसे अपने यार की बाहों में झूमते हुए देख के अपनी आंखें बंद कर लो, अपने भाई जैसे दोस्त को अपनी बीवी के साथ अय्याशी करते हुए देख के चुपचाप बैठा रहो। कानून उन दोनों को उनके किए की सजा देगा अविनाश। कानून सिर्फ सजा का, सजा का मजा नहीं लेगा। बहुत तड़पा है मेरे दोस्त और बीवी ने मिलकर मुझे, अब मैं उन्हें तड़पाऊंगा। अब तक जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया मैंने सोचा नहीं था, और अब जो मैं उनके साथ करूंगा वो उन्होंने नहीं सोचा होगा। एक एक पल का हिसाब लूंगा मैं उनसे, सजा उन्हें कानून नहीं मैं दूंगा, मैं। यूं समझ लो आज से उनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। ओह माय गॉड, दूध गिर गया। डोंट वरी, मैं ऑफिस में कॉफी पी लूंगा, ओके? लेकिन रोहित। संजना माय स्वीट हार्ट, माय डार्लिंग, डोंट वरी, आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। रोहित प्लीज आज तुम कहीं मत जाओ। व्हाट? दूध का गिरना अच्छा नहीं अपशगुन होता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम घर से निकलते मैं मर जाऊं, कोई मुझे गोली मार दे या फिर मेरा एक्सीडेंट हो जाए। कम ऑन डार्लिंग, हिंदुस्तान छूट गया लेकिन हिंदुस्तान की दकियानूसी बातें तुम्हारे दिमाग से नहीं निकली। चाइनीज डेलीगेशन आ रहा है होटल में, क्या कहूंगा उनसे मैं कि मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ से दूध गिर गया तो मीटिंग कैंसिल कर दो? डोंट बी सिली, बाय। रोहित प्लीज ऑफिस पहुंचते ही मुझे फोन करना। हेलो, कैन आई स्पीक टू चमनलाल प्लीज? आंखें प्यारी हैं, बातें प्यारी हैं, और सबसे प्यारी है तेरी मामा। अरे यार क्या है? फोन है आपका। फोन मेरा? अरे हेलो मामा, कौन? This is Janani Saxena from Globe Magazine. मुझे आपकी इंटरव्यू चाहिए थी। मैं जानती हूँ आपका समय बहुत कीमती है। कीमती? अरे अरे मैं तो एकदम खाली हूँ सेक्सी चानना। इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं पूल साइड पे हूँ, टेबल नंबर 4। आपका इंतजार कर रही हूँ, आप आएंगे ना? मैं आ रहा हूँ। हे भगवान, जब से मलेशिया में आया हूँ सूखे में नाव चला रहा हूँ, आज मेरी नाव पाल लगा दे, 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 मेरी नाव पाल लगा दे। हाँ
बॉडी सेक्सी हेलो सेक्सी चंदना चांदनी सक्सेना नॉटी बॉय बैठिए ना मेरा नाम है चमनलाल आपको कौन नहीं पहचानता सर आप मुझे पहचानती हैं ऑफ कोर्स सर और अब मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया आपको पहचान ले मेरी मैगजीन उन इंडियंस पे सर्वे कर रही है जो सिर्फ 3 महीनों में जमीन से आसमान तक पहुंच गए वेरी गुड आप मुझे देंगे ना सर आपका इंटरव्यू दूंगा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी इंडियन लड़कियों को दिया है लेकिन चाइनीज लड़की को पहली बार दे रहा हूँ इंटरव्यू तो फिर इंटरव्यू शुरू करें सर आपको यहाँ इतने लोगों के बीच घुटन महसूस नहीं हो रही सर क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ हमारे पास दूर दूर तक कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो तो चमनलाल जी आपने एक 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 करके पैसे कमाए या एक ही झटके में अरे पैसों को गोली मारो चंदना अगर तुम्हारे जैसी एक भी लड़की चीन से पहले यहाँ आ जाती तो दोनों देशों के बीच में कभी जंग ही नहीं छिड़ती हिंदी चीनी भाई भाई नॉटी बॉय मेरी तो सिर्फ माँ चाइनीज थी तुम जैसा एक हिंदुस्तानी आया और उसने मेरी माँ के साथ जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी के साथ किया है ना मेरे को तुम्हारे साथ करना चंदना सही क्या कर रहा हूँ दो महान देशवासियों को हमेशा के लिए एक कर रहा हूँ डार्लिंग सच सर दो देशों के बीच की दूरी मिटा रहा हूँ उनकी जड़ों को मजबूत कर रहा हूँ सर आपके हाथ बहुत चलते हैं सर ये क्या कर रही हो दोनों हाथ बांधोगी चमनलाल बोलो जान नाउ यू रिलैक्स अब हिंदुस्तानी चुप रहेगा और जो कुछ करना है चाइनीज करेगी करो 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 तुम दस्तक गिनो मैं चेंज करके आती हूँ नॉटी बॉय स्लोली 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 टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कपड़े बदलने गई थी ये चेहरा कैसे बदल लिया चेहरा तो रोहित और तुझ जैसे लोग बदलते हैं पीठ पीछे वार करने के लिए मैं जो करूंगा तेरे सामने करूंगा नहीं 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 ये क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है तू कुछ चीजें इंसान जिंदगी से सीखता है और कुछ मौत से मैं रोहित की गोलियों से बच गया इसलिए मैं तुझे अपनी आंखों के सामने जिंदा जलाऊंगा रोहित रोहित कुत्ता है रोहित कमीना है उसने तुझ जैसे दोस्त के साथ धोखा किया अरे बेटा ये तो अच्छा कि तू जिंदा है मैं तेरे खून के पाप से बच गया पर संजना के खून की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी
संजना जिंदा है, संजना जिंदा है। झूठ बोल रहा है तू। नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये सब रोहित की चाल है। रोहित और संजना एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते हैं, और रोहित के कहने पर ही पहले संजना ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद तुमसे शादी की और तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम उस पर शक करो, और फिर खुद के खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करा दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और देखो वो कमीनी अब रोहित के साथ इधर अयाशी कर रही है। झूठ बोल रहा है तू। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर उस रात खून किसका हुआ था? धंधा करने वाली का। मेरी बात पर यकीन मानो, रोहित के प्लान के मुताबिक तुम संजना पर शक करते हुए फार्म हाउस तक पहुंचे। झगड़े के बहाने संजना ने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर तुम शराब पीने लगे। जब शराब के नशे में तुम बिल्कुल दूत हो गए, संजना ने हम दोनों को फोन किया। चल। मुजरिम इकरार कर दिया। रोहित ने सोचा था कि तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन नहीं, कोर्ट ने तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। रोहित बहुत परेशान हो गया, उसने तुमको भगाने का प्लान बनाया और एक गाड़ी में बैठा के तुम्हें तालाब के किनारे ले गया, और हमारे देखते देखते उसने तुम पर गोली चला दी। लेकिन बेटा तुम चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, मैं अदालत में जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा बेटा। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, यही कुछ मामले ऐसा मत करना। ये क्या कर रहा है ये? मैं तुम्हारी तरह लोगों के घर नहीं चलाता। यानी कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना बेटे? जो पानी से मर जाए उसके लिए आग की क्या जरूरत? Excuse me, officer. How did this happen? It's a drowning case, accident. But how did he get into the sea? He was fishing out there.
सोचा ना था मोहब्बत का ये भी अंजाम आएगा। रोएगी तू और दिल को मेरे करार आएगा। तीन में से एक तो गया, अब जो दिल के ज्यादा करीब है पहले उसे दूर करना पड़ेगा। लाइट्स किसने ऑफ की? कौन है वहां? कौन है? I really miss you. आज इतने दिनों बाद रोमांस करने का मौका मिला है तुम्हें। आज इतने दिनों बाद ऐसे लग रहा है कि तुम वही पुराने रोहित हो जिसके प्यार के लिए मैंने सब कुछ किया और जिसके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती। रोहित मुझे तुम्हारी जरूरत है, हर वक्त हर पल। वहां अविनाश के सामने हम लोग मजबूर थे लेकिन यहां कैसे मजबूरी? कितना पैसा चाहिए तुम्हें? क्यों इतने बिजी रहते हो हर वक्त? रोहित आई रियली लव यू। वादा करो कि तुम मुझे इसी तरह चाहते रहोगे, इसी तरह प्यार करते रहोगे मुझसे। बहुत तड़पाया तुमने मुझे, वादा करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। ये मेन स्विच किसने ऑफ कर दिया? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम वहां क्यों? नहीं होना चाहिए। काम खत्म हो गया, तुम्हारी बहुत याद आ गई तो चलाया ऑफिस से। तुम अभी ऑफिस से आ रहे हो तो यहाँ कौन? कहाँ? यहाँ मेरे पास, मेरे पीछे। उसने मुझे अपने बाहों में। संजना माय डार्लिंग, तो आजकल तुमने मेरे सपने भी देखने शुरू कर दिए। नहीं रोहित, बिलीव मी, मेरे साथ इस कमरे में कोई था, मैंने सपना नहीं देखा। तो फिर भूत देखा होगा। संजना, ये क्या हो गया तुम्हें? कभी तुम कह रही हो कि कमरे में कोई था, अभी तुम कह रही हो अविनाश पूल में है। रोहित मैं सच
बोल रही हूँ, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। एक बात तय है, आज का डिनर कैंसिल। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, तुम्हें आराम की जरूरत है। ओके संजना, रिलैक्स रिलैक्स। बैठो यहाँ पे। लिसन संजना, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। ये क्या हो गया तुम्हें? रोहित मेरा यकीन करो, मैंने उसे एक बार नहीं चार चार बार देखा है। और मैंने भी एक नहीं तीन तीन गोलियां उतारी इसके सीने में। He was dead on the spot. अविनाश मर चुका है संजना, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। Stop this, संजना। देखो, तुम्हारी फिजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। और अगर तुम इसी तरह लोगों के सामने तमाशा करती रहोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल। अगर अविनाश जिंदा होता तो वो यहाँ मलेशिया में कैदी के कपड़ों में क्यों घूमता? अविनाश यहाँ नहीं है संजना, और वो यहाँ कभी भी नहीं। Hey you! क्या कर रहे हो वहां पर? साफ कर रहा हूं, बाद में करना। Now get out! तो कुछ भी हो उसे भूल जा सकते, अविनाश की याद को भूल। वो किसी ने एकदम सही लिखा पाजी, कि जो चुप रहेगा जबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। लड़की तो डर गई, अब ये नहीं मालूम कि आपसे डर गई या अपने करतूतों से डर गई। पर मीटर तो डाउन हो गया ना जी, और आप अब किलोमीटर गिनिए और ये बताइए कि प्लान नंबर दो क्या है। एक मिनट अविनाश, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये सब बाद में, मैं कुछ लेके आती हूँ। तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। जब भी आप इनकी इतनी फिक्र करती हैं ना, मुझे आपकी फिक्र हो जाती है। कह क्यों नहीं देती अविनाश भाजी से अपने दिल की बात? कौन सी बात? अरे छड्डो जी,
पिछले 15 साल में कम से कम 15,000 सवारियां बिठाई अपनी गाड़ी में। अरे दुनिया नहीं घूमे तो क्या हुआ, दुनिया भर से लोग आके बैठते हैं हमारी टैक्सी में। सच बताइए, प्यार करती है ना अविनाश पाजी से? हाँ करती हूँ। तो बोल दो, और कोई हेल्प शेल्प चाहिए तो? अभी नहीं, इस वक्त अविनाश के दिल में इतनी नफरत है कि प्यार के लिए कोई जगह बाकी नहीं। एक बार नफरत निकल जाए तो प्यार अपनी जगह खुद बना लेगा। आ गए। तो प्लान नंबर टू। हाँ जी। तुम एक्टिंग तो कर सकते हो ना? लो एक्टिंग। भाई साहब पिछले 3 साल से मलेशिया की रामलीला में नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, सूर्पनखा का एक्टिंग। वेरी गुड। तो प्लान ये है कि कल 10 बजे वो अपने होटल से शॉपिंग के लिए निकलेगी। सिर्फ आपकी जान बचाना चाहता हूं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आपने यहां दोबारा फोन किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी, समझे? What the hell, don't you understand? I don't want to talk to you. मुंबई, अविनाश मल्होत्रा, संजना मल्होत्रा, शादी, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। मुझे मालूम है कि तुमने रोहित के साथ मिलकर अविनाश को खून के इल्जाम में फंसा दिया है, और रोहित ने अविनाश की सारी दौलत पे कब्जा कर लिया है। लेकिन अब रोहित के मन में लालच आ गया मैडम, लालच। कौन है तुम? शिकार रोहित का। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो मैं समझाता हूँ। आप आज शाम को जलानंपांग के पार्क में आ जाइए। बस यूं समझिए कि मेरी वजह से एक जान गई है, अब मैं दूसरी जान बचाना चाहता हूं। आज शाम जलानंपांग के पार्क में आइएगा जरूर। संजना मैडम, ये जो बार बार अविनाश आपको जगह बदल बदल के दिखाई देता ना, अरे ये आपका वहम नहीं है, उस रोहित की चाल है। वो ऐसा क्यों करेगा? आपको सारी दुनिया की नजरों में पागल साबित करने के लिए। अब उस दिन आप उसकी मीटिंग में डर के चिल्ला रही थी, सबने देखा। मैं ये बात कैसे जानता हूँ? मुझे रोहित ने बताई। मैडम एक बार वो सबके सामने आपको पागल साबित करने में कामयाब हो गया, फिर क्या, वो आपको होटल के 20वें माले पे ले जाके धक्का दे देगा और बड़े आराम से सारी दुनिया को बता देगा कि अपने पागलपन के दौरे में आपने खुदकुशी कर ली। तुम झूठ बोल रहे हो, रोहित ऐसा नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट बोल रही हैं आप, मैं भी ऐसा समझता था। अरे इसीलिए तो उसका साथ दिया। मैडम
वो चमन मामा की मौत वो कोई एक्सीडेंट या हादसा थोड़ी था। अरे मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा है उसे, रोहित के कहने पर। और जब मैं पैसे मांगने गया तो रोहित ने मुझे मारने की कोशिश करी। अरे पैसों का भूखा है वो, भूखा। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, ये झूठ है। अरे मेरी बात ध्यान से सुनिए, आज आप एक पार्टी में जा रही हैं, आज रात उसी पार्टी में वो आपको आपको खत्म करने के लिए उसने एक आदमी को एडवांस में पैसे दे रखे हैं। आज रात की पार्टी मैस्कुरेट पार्टी है, सब नकाब के पीछे होंगे, लेकिन आपका खूनी किस नकाब के पीछे होगा कोई नहीं जानता। देखिए मैं तो इस शहर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन आपके पास वक्त बहुत नकाब के पीछे कातिल। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। क्या समझे? एक बात तो समझ में आई हरि, जब प्यार से भरोसा हट जाए तो वही प्यार कितनी जल्दी नफरत में बदल जाता है। क्या बात है? कत्ल करने का इरादा है क्या? चलो जल्दी करो, पार्टी के लिए देर हो रही। की थी वो बात।
दीवाना किया, कातिल है इस बिल का तू, अब कत्ल होगा तेरा, तेरा तेरा भी होगा शिकार, तो कर मौत का इंतजार। मुश्किल है मुश्किल में दिल है ये मेरा, संजना ये सब क्या हो रहा है? बदलो मेरा नाम अपनी गलती जुबान से। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया रोहित, लेकिन तुमने मेरे आंखों पर झूठे प्यार की पट्टी बांध ली और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अंधेरे में तुम्हारे पीछे पीछे आती रही। मैंने किसी से शादी की क्योंकि तुम चाहते थे, उसे धोखा दिया क्योंकि तुम चाहते थे, मेरी आंखों के सामने उसकी मौत होते हुए देखी क्योंकि तुम चाहते थे, मगर तुम। संजना बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो दुनिया की नजर में, ताकि मौका मिलते ही तुम मुझे अपने रास्ते से हटा दो। What? मैं अविनाश नहीं हूँ रोहित, और मैं तुम्हारी गंदी साजिश का शिकार नहीं बनने वाली। मैं जान दूंगी नहीं ले लूंगी। घर चलो संजना, जो बात करनी हो वहां पे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और आज के बाद अगर तुम या तुम्हारा कोई आदमी मेरे आसपास दिखाई दे तो मैं उसे गोली मार दूंगी। I'll kill you! I'll kill you! मारकर तसल्ली नहीं हुई तो लो दोबारा मार लो। क्यों क्या हुआ? अपने जिंदा होने पर शर्मिंदा हो या मुझे जिंदा देखकर हैरान हो रही हो? झूठ बोलना तुम्हारी आदत है ये तो मैं जानता था, पर जान लेना तुम्हारी फितरत है ये मुझे नहीं पता था। देखो विनाश, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं, वो रोहित तुम्हें बहलाता गया और तुम उसकी बातों में आती गई, यही ना?
इसे पहचानती है संजना, मंगल सूत्र है तुम्हारा, मंगल सूत्र हमारी शादी की निशानी, अग्नि के साथ भेड़ों का बंधन, साथ जीने मरने की कसम, पत्नी का सुहाग उसका धर्म, अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना, और इसे तुमने एक पासारू औरत की लाश का गहना बना दिया सिर्फ पैसों के लिए। मैं तो वैसे ही तुम्हारे प्यार के जाल में पागल हो चुका था, एक बार मुस्कुराकर मुझसे मांग लिया होता तो मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल देता। अविनाश, मैंने जो कुछ भी किया जाने में किया। कानून मुझे एक बार तुम्हारे कत्ल की सजा दे चुका है, दोबारा नहीं दे सकता। अविनाश प्लीज, प्लीज अविनाश, प्लीज अविनाश, प्लीज प्लीज अविनाश, अविनाश मत मारो मुझे, प्लीज प्लीज माफ करो मुझे, प्लीज 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 डोंट शूट। हेलो। कोई माने या ना माने पर मैं जानता हूं तू अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारना चाहता था। कौन है तू? संजना को तेरे नहीं तो किसी के हाथों तो मरना ही था, यूं समझ ले वो मेरे हाथों मर गई। बेचारी मरते वक्त ये भी नहीं जान पाई कि तू बेकसूर है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? संजना की लाश स्टेडियम में पड़ी है, जाके उठा ले वरना चील कौवे उठा के ले जाएंगे। कौन हो तुम? तूने मुझसे दगा किया और तेरी बंदूक से निकली गोलियां तुझे दगा दे गई। तेरी गोलियां तो मेरे सीने पर बेअसर हो गई लेकिन तेरे धोखे ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो चाहता है तुझे इसी वक्त गोली मार दो पर जिस दौलत के लिए तूने मुझे इस दुनिया से अलग करना चाहा पहले मैं तुझे उस दौलत से अलग करूंगा। ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स है, मुझे मेरी सारी दौलत वापस चाहिए। जिस दौलत के लिए मैंने अपने सबसे बड़े दोस्त को धोखा दिया उस दौलत को मैं अपने से अलग क्यों नहीं दूंगा? वेरी सिंपल जी। जिस प्यार के लिए आपने इतनी दौलत कमाई उसी प्यार की खातर जी। सोच ले रोहित, एक तरफ मेरी सारी दौलत है और दूसरी तरफ तेरा प्यार। Thank you.
मैं हार गया संजना, आज मैं तुम्हारे प्यार में हार गया। एक दिन इसी दौलत के लिए मुझे अविनाश की दोस्ती की बलि चढ़ानी पड़ी थी, और आज इसी दौलत के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की कुर्बानी देनी पड़ रही है। अविनाश, ये जितनी दौलत तुम मुझसे मांग रहे हो उसे हर रोज एक संजना खरीदी जा सकती है। Rohit, you beast! How could you do this to me? Darling, मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दौलत के लिए तुम एक चीज नहीं कर सकते, अपनी जान नहीं दे सकते। नहीं नहीं, तुम मेरी जान नहीं लोगे, क्योंकि मैं यहां अकेला नहीं आया। वो देखो, अब ये गन मुझे दे दो, वरना तुम्हारी ये प्यारी सी दोस्त मारी जाएगी। Come on. Thank you. Very good. हमारे मलेशिया में एक कहावत है, बेवकूफ दोस्त से समझदार दुश्मन ज्यादा अच्छा होता है। अविनाश, जान तो तुम्हें फिर से देनी पड़ेगी। जी तो चाहता है तुझे हिंदुस्तान की गलियों में ले जाके गोली मारूं, पर डरता हूं
कि सच सामने आ गया तो लोग दोस्ती पे एतबार करना छोड़ देंगे। मुझसे आगे निकलने की चाह ने तुझे दोस्त से दुश्मन बना दिया, दौलत की भूख ने तुझे आशिक से दलाल बना दिया, और आज मौत के डर ने तुझे आदमी से कुत्ता बना दिया। हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, कुत्ता जब तक वफादारी करे उसे भर पेट खिलाओ, और जब पागल हो जाए उसे गोली मार दो। मैडम, मेरा नाम अनवर हुसैन है, मैं इंडियन एम्बेसी से हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन है? इंस्पेक्टर ना या के लोए गए ना ये लोई चौंग ना। मैडम आपको अरेस्ट किया जा रहा है। क्या, क्यों, मेरा जुर्म क्या है? आपका जुर्म आपकी आंखों से देख लीजिए। संजना, आपका जुर्म यह है कि आपने मिस्टर रोहित का खून किया है। क्या सच नहीं कि रिसेंटली आपका और आपके बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ तनाव चल रहा था? आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं, ये हमने सुना है। आप इसकी दवाइयां भी लेती है? आपने सबके सामने पार्टी में उसे मारने की धमकी दी। जब उसे कुछ नहीं किया तो आप उसे मारना क्यों चाहती थी? इस गन पर सिर्फ आपकी उंगलियों के निशान है। ये वही गन है जिससे मिस्टर रोहित का खून हुआ था। ये वही गन है जो आपने रोहित के बॉडीगार्ड से पार्टी में छीनी थी। इनसे मिलिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जान से भी प्यार करने वाली मेरी पत्नी। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर अविनाश, कानून ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो मैं आपको लौटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, खुलेआम प्रेस में अपनी गलती मानकर आपकी इज्जत जरूर लौटाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। मिस संजना, गुड बाय नहीं कहूंगा मैं आपको, क्योंकि हम दोबारा मिलेंगे आज से 7 साल बाद हिंदुस्तानी अदालत में। अविनाश, अविनाश मुझे यहां से बाहर निकालो,
मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते ना। मुझे बहुत प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, बहुत प्यार करते हो ना, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे। प्यार, प्यार तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें रोहित की बाहों में देखा था, और आज सलाखों के पीछे देखकर नफरत का रिश्ता भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज के बाद मैं किसी संजना को नहीं जानता। अविनाश, अविनाश मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। अविनाश मेरी बात सुनो, मैं यहाँ मर जाऊंगी। अविनाश मुझे यहाँ छोड़ के मत जा, प्लीज। तुम यहां बैठी हो और मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर पर गया, तुम्हारे पापा के ऑफिस, तुम्हारी ज्वेलरी शॉप पे, यहां तक कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे जोशी जी के घर भी पहुंच गया। अविनाश प्लीज, जोशी जी का मजाक मत उड़ाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा। जानते हो जोशी जी ने तुम्हारे बारे में मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि आज का सूरज ढलने से पहले सोने की जिंदगी में हमेशा के लिए रोशनी आ जाएगी। उसे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो उसे ढेर सारा प्यार और बहुत सारी खुशियां देगा। Really? सूरज ढलने वाला है, पर अफसोस कि मुझे आसपास कोई ऐसा लड़का नजर नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, शायद वो तुम्हारे आसपास ही हो और तुम्हारी उस तक नजर नहीं पहुंच रही हो। मेरी नजर उस पे हमेशा थी, उसकी नजर ने मुझे कभी नहीं पहचाना। देर से ही सही, पर अब मैं उसे अच्छी तरह से पहचान गया हूं। उसकी धड़कनें भी मुझे साफ सुनाई दे रही हैं, जो बस एक ही बात कह रही है। I'm sorry, Sonia. I love you. तो मैं भी उस लड़की से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। I love you too.